लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो। हाँ जी सर, मैं उस सेल या डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा जिससे आप स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है, मैं उस लूट की बात कर रहा हूँ जो आपके साथ करी जा रही है और जिसमें आपका फायदा उठाया जा रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी सर। सो हेलो एवरीवन, आई एम सी अमित शर्मा, योर्स अमित भाई। और जैसा आप लोग जानते हो, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि सर मैं एक प्रॉपर सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें हम आपको बताएंगे कि अपनी सितंबर 25 की प्लानिंग करते वक्त जब आप अपनी क्लासेस पिक करोगे, BEd क्लासेस कैसे पिक करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए सर, ऑनलाइन जाना चाहिए, ऑफलाइन मोड पे किन गलतियों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें बताएंगे। तो सर आज ये पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे आप स्टूडेंट्स को बहुत ही प्यारे तरीके से लूटा जा रहा है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हाँ जी, चलो अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, एक बहुत ही प्यारा सवाल है, कोई मुझे बता सकता है सर अभी गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, 10 ग्राम गोल्ड का? अमित भाई 10 ग्राम तो नहीं, अपने को ग्राम वाइज पता है। आ, 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 अभी सर गोल्ड का प्राइस चल रहा है समथिंग समथिंग 7800 1 ग्राम का। ओके दैट्स ग्रेट। तो सर आप लोग मुझे जरा ये बता सकते हो 7800 × 1.5, 1.5 ग्राम गोल्ड का प्राइस कितना चल रहा है? सर 1.5 ग्राम गोल्ड का प्राइस चल रहा है अपने पास कुछ 11,700 रुपए के आसपास। परफेक्ट। और आप उन क्लासेस के झांसों में आ जाते हो जहां पे एक क्लास की प्राइस है, आपके एक सब्जेक्ट एक क्लास की प्राइसेस 12,000, 15,000 या उससे भी ऊपर है, और जहां पे आपको सिर्फ 1.5 व्यूज मिलते हैं देखने के लिए। अब ये देखो, जब आप अपनी क्लासेस पिक करते हो सर, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, ब्राइट स्टूडेंट्स हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप एक बार में चीज समझ जाते हो। बट सर ऑन एन एवरेज एक टॉपिक रिकॉर्डेड या लाइव क्लासेस में एक बार समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, और अगर एक बार आपने हाथों हाथ समझ भी लिया तो आपके पास बाद में रिविजन के टाइम देखने का मन करता है कि यार समझ में नहीं आ रहा, दोबारा देखूं। तो सर उस 1.5 व्यू में जो आपने अपनी पूरी क्लासेस में लगाया वो तो अब आप देख नहीं पाओगे। 1.5 व्यू में दोबारा से अगर आपको देखने का मन है वो तो अवेलेबल है नहीं, अब वो तो हो नहीं पाएगा। तो सर सबसे पहली गलती जो आप अपनी क्लासेस पिक करते वक्त ना करो कि यार मैं 1.5 व्यूज को ज्यादा वेट दूं या 1.5 ग्राम सोने को, मतलब सिंपल समझो यार, 1.5 ग्राम सोने के प्राइस में भी आप अपनी क्लासेस बाय नहीं कर पा रहे हो। इन शॉर्ट सर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो महंगे क्लासेस की धांधलेबाजी आपके साथ करी जा रही है कि सर इतनी प्राइसेस ले लो, इतनी महंगी वाली क्लासेस बहुत बढ़िया होती है, इतने क्लासेस पे चले जाओ, इतने पैसे लगा दो, और उसके बाद ना तो सपोर्ट मिलने वाला। सबसे पहली बात, मान लो आपने 12 से 15 हजार की क्लासेस बाय करी, आपको ये देखना है क्या उन क्लासेस के पीछे आपको उसी 15,000 के लेवल का, यार एक बात बताओ, आप एक नॉर्मल क्लास खरीदते हो 6 या 7 हजार की, किसी की अवेलेबल है, या किसी की आप 15,000 दे रहे हो, चलो हमने माना 15,000 वैलिड है, क्या आपको उस 15,000 के लेवल का सपोर्ट मिलता है? क्या मिल सकेगा? सबसे पहली बात सर, क्या उस 15,000 के लेवल का आपको डाउट रिजॉल्विंग मिल पाएगा कि जब आपकी डाउट है तभी हाथों हाथ रिजॉल्व कर दिया गया, क्या वो हो पाएगा? क्या उस 15,000 के लेवल की आपको वापस से रिविजन्स, एग्जाम टाइम पे मैराथॉन्स, एग्जाम टाइम पे आपका सपोर्ट, एग्जाम टाइम पे आपकी स्ट्रेटेजी बना के देना, वो सारी चीजें हो पाएंगी? और यकीन मान लो दोस्तों, मेरे पास कितने ही बड़ीज आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को ये बोला कि सर मैंने एक्स वाई जेड टीचर से पढ़ाई कर रखी है, उनसे मैंने क्लासेस परचेज करी थी और क्लासेस के 12,000, 15,000, 13,000 इतने दे रखे थे। सर मैं एक बात बताता हूँ, टीचिंग कोई भी बेकार नहीं करता, कोई ये नहीं बोलता कि हम आपको बेकार पढ़ाएंगे, सब लोग अच्छा ही पढ़ाना चाहते हैं। एंड स्टूडेंट्स ने भी यही बोला, ये नहीं बोला कि सर वो टीचर तो बेकार ही पढ़ा रहा था, हाँ उन्होंने बोला सर वो टीचर अच्छा पढ़ा रहे थे, लेकिन 15,000 जो मैंने उनकी क्लासेस के दिए, 12,000, 13,000, 15,000 जो भी मैंने उनकी क्लासेस के दिए, मेरे को ये नहीं समझ में आया कि सर इतनी प्राइसेस चार्ज क्यों कर रहे हैं, ना मेरे को उनसे डाउट्स का सपोर्ट मिला। जब भी मैंने डाउट्स पूछा, डाउट रिजॉल्व हुई नहीं, 4-5 दिन तक कोई जवाब नहीं, कई कई बार तो जवाब ही नहीं आया। उसके बाद सर हमारी फैकल्टी से पर्सनल कभी भी टच रही नहीं, कभी भी उनसे बात नहीं हुई, डाउट था तो उनके कोई अलग ही उन्होंने पर्सन रखे हुए थे डाउट हैंडल करने के लिए, कभी भी टीचर से दोबारा मेरी बात हो नहीं पाई। एक बात समझो सर, हम आपको चाय भुजिया बिस्किट नहीं बेच रहे कि बेटा लो हमसे खाओ और निकल लो यहाँ से। आप सर्विसेज इंडस्ट्री में आ रहे हो, आप कोई सर्विसेज परचेज कर रहे हो, तो आपका हक बनता है कि जब तक आपका यूटिलिटी फुलफिल ना हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करी जाए। तो सर आप एक बार ये दिमाग लगा के देखो, जो क्लासेस आपको नॉर्मल प्राइस पे मिल सकती है, उन सेम चीजों के लिए बेटर फैसिलिटीज जो आपको उसी प्राइस पे मिल रही है, क्या 15,000 देना
12,000 देना, 13,000 देना या उससे भी ऊपर देना, कोई वैलिड सेंस बनती है क्या? एंड सिमिलरली दिस बाय करते वक्त हम सोचते हैं भैया ये देखो इन्नी मिन्नी सिन्नी चोर, जो ही निकला वही चोर। मतलब सर सीधी सीधी बात की जो महंगी क्लासेस है उन पे टिक कर लो भैया, वो खरीदना है। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स यही करते हैं। सर आज के टाइम पे जब आपके पास ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल है, डेमोज अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो क्यों आंख बंद करके उन महंगी क्लासेस पे जाना जहाँ पे सर डेढ़ व्यू देंगे आपको और फिर लिमिटेड चीजें होंगी, फिर सपोर्ट के नाम पे कुछ होने नहीं वाला, तो वहां पे जाने का क्या फायदा? यू हैव अ एम्पल अपॉर्चुनिटी। अभी सर आपके रिजल्ट्स आने में टाइम है, तो अपने को क्लासेस के रिस्पेक्ट में क्या करना चाहिए? सर जो भी सब्जेक्ट्स आप प्लान कर रहे हो, सबसे पहले तो ये देखो, आप फाइंड आउट कर लो आंख बंद करके आपको जो भी टीचर्स अच्छे लग रहा है। आई कैन नॉट सजेस्ट किसी पर्टिकुलर टीचर को, आंख बंद करके टीचर्स पता कर लो, उनकी क्लासेस का प्राइस लिख लो, यूट्यूब लिंक हर टीचर्स की अवेलेबल होती है आप चेक कर लो। बी इट अगर कोई 6,000 में आपको प्राइस दे रहा है, कोई आपको 8,000 में दे रहा है, कोई 15,000 में दे रहा है, तो सबसे पहले तो ये कंपेयर करना है भाई, सेम चीज जो 6,000 या 8,000 में मिल रही है उसके लिए अगर मैं 15,000 दे रहा हूं तो क्या वो 15,000 के लेवल की चीजें मेरे को मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? अगर पढ़ाई ही बेटर है और उस लेवल की चीजें नहीं मिल पा रही तो क्या फायदा 15,000 देने का? फिर आप कंपेयर करोगे क्या टीचिंग मेथड आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। टीचिंग मेथड्स देखने सर बहुत बार होता है कि महंगे टीचर्स पे जाने पे भी आपको उनका मेथड समझ में नहीं आता और आपको वापस घूम के उन्हीं टीचर्स पे आना पड़ता है जिन्होंने सर फ्रेशली स्टार्ट कर रखा है, जो आपको लेस प्राइस पे अवेलेबल करवाते हैं। तो सर सीधी सी बात है, पहले ही 15,000 डुबो के वापस से 6-7,000 पे आने से अच्छा है आप प्रॉपर एनालाइज करो ना सर, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, कोई भी एक चैप्टर पिक करो। मैं कह रहा हूं सर 1, 2, 3, 4, 5 टीचर्स अवेलेबल है, कोई एक चैप्टर पिक करो, उनका डेमो हर एक टीचर का देख लो। बीट अगर आपसे नहीं देखा जाता पूरा लेक्चर, एक एक घंटे का देख लो, जो आपको सही लगे उसके बारे में फिर आगे रिव्यूज देखो, सर्च करो, तब आपको पता चल जाएगा। एंड सर प्लीज 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 ये फेक रिव्यू वाली मार्केटिंग से तो बच के रहना, जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि सर फेक रिव्यू और फेक मार्केटिंग कैसे करी जाती है और आपको फंसाया जाता है। तो गाइस इस वीडियो का सिर्फ इतना सा मोटिव था कि आपको बताया जाए आपको अपनी क्लासेस कैसे चुननी है और ये 15 ग्राम 1.5 ग्राम गोल्ड और 1.5 व्यू वाले कंपेरिजन में कैसे आपको नहीं फंसना है। आपको खुद ही एनालाइज करना है कि सर आप ये ज्यादा सही लग रहा है या ये ज्यादा सही लग रहा है। ओके ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं गाइस अगली वीडियो के साथ, उसमें ये बताया जाएंगे कि सर कैसे फेक मार्केटिंग का यूज करके आपको फंसाया जा रहा है।